हेलो गाइस, दिस शर्दीप, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। हमने तो आपने देख ही लिया होगा और आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। सो आपको याद होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, काफी पहले वीडियो बनाया था, शायद 2020 में बनाया था या 21 में बनाया था, है सबसे रिलेटेड, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब गया और उसके काफी अच्छे व्यूज आए थे उसमें और काफी लोगों को पसंद आया था। तो जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने काफी सारे कमेंट पढ़े, तो काफी लोगों ने मुझे क्वेश्चन करे और काफी लोगों ने मुझे वीडियो बनाने को बोला। तो कईयों ने बोला कि शेफ टेम्परेचर के बारे में वीडियो बनाइए, कईयों ने मुझे वहीं पर पूछा कि शेफ इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कुकिंग का कितना होना चाहिए या चिलर का कितना होना चाहिए, और काफी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। तो टेम्परेचर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन मुझे आए थे, जिसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो आपके लिए टेम्परेचर से रिलेटेड बनाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मेरी पीएससी की ट्रेनिंग हुई है, जिसकी स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर, आप सर्च कर सकते हैं। सो वहां पर मैंने स्टोरी डाली थी, मेरी पीआईसी की ट्रेनिंग थी, पर्सनल इंचार्ज, मतलब आप अपनी शिफ्ट में एक आपका जो इंचार्ज होता है वो पीआईसी सर्टिफाइड होना चाहिए। सो मैं अभी नई ज्वाइनिंग करी थी और इससे पहले मेरा जो पीआईसी मैं पहले भी कर चुका हूं तो वो एक्सपायर हो चुका था। मैं आपको बता दूं कि पीआईसी आप करोगे, ये सबसे बड़ा हाई लेवल होता है एक तरह से, जो बेसिक फूड हाइजीन आप करते हो वो 6 मंथ का एक्सपायरी होता है, 1 ईयर का एक्सपायरी होता है, बट पीआईसी ऐसा होता है वो आपका 5 साल तक वैलिड होता है, 5 साल के बाद वो एक्सपायर होता है, और वो सबसे बड़ा लेवल होता है किसी भी हाइजीन या हेल्थ से रिलेटेड। जो आपके जो इंचार्ज होते हैं उनमें सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आप बोल सकते हैं वो एक पीआईसी को मिलता है। तो सबसे ज्यादा नॉलेज जिसको होती है वो होता है पीआईसी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इससे पहले मैं पीआईसी था फिश होटल में और वहां पर मैं पहले कर चुका था काफी पहले, तो मेरा 5 साल का जो टाइम पीरियड था वो निकल चुका था और एक्सपायर होने ही वाला था। तो क्योंकि अभी मैं नई कंपनी में आया था और यहाँ पर मेरे को पीआईसी करना जरूरी था, क्योंकि एज अ इंचार्ज आपको पीआईसी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरे किचन में आप इंचार्ज हो, बट एक शिफ्ट जो कि मॉर्निंग से इवनिंग तक रहती है उसमें एक पीआईसी होना चाहिए, चाहे वो पूरे किचन का इंचार्ज हो या चाहे वो मॉर्निंग का इंचार्ज हो। उसके बाद जो इवनिंग शिफ्ट से लेकर नाइट तक करता है उसमें एक इंचार्ज होता है जो कि पीआईसी होना चाहिए। तो पीआईसी जब भी हो, जो पर्सनल इंचार्ज है हाइजीन का, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उनका इंचार्ज है, वो एक सुबह होना चाहिए और एक शाम को होना चाहिए। अगर आप गल्फ कंट्री में आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, हाइजीन स्टैंडर्ड की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। और अगर आप एक कॉमी लेवल के लिए आ रहे हैं या नीचे लेवल के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक हाइजीन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली टेम्परेचर के बारे में और मैं आपको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बताऊंगा, हाइजीन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए किचन में, आपके प्रोसेस में क्या होना चाहिए, एरिया में क्या होना चाहिए जहां पर आप काम करने वाले हैं। सो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा हेसअप से रिलेटेड, हेसअप के प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, हेसअप के आउटब्रेक के बारे में बताऊंगा, की पॉइंट क्या है उसके आउटब्रेक के, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, हाइजीन के क्या स्टैंडर्ड होते हैं किचन में। तो हर किसी के मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आप वीडियो देखकर अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जाना चाहे, किसी भी गल्फ कंट्री में जाना चाहे या यूरोप कंट्री में जाना चाहे, तो हेसअप के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी, खासकर मैं बोलूंगा गल्फ कंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पर खली वली नहीं करते हैं, कुछ भी खाना सर्व कर दिया, कितने भी टेम्परेचर में आपने खाना सर्व कर दिया, ये ऐसा यहाँ पर नहीं होता। मैं आपको बता दूं अभी तक जो चल रहा है वो आप चला रहे हो, बट इनकेस अगर आप फ्यूचर में आते हो, नहीं भी आते हो तो अगर आपको नॉलेज भी है तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने एरिया में, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, जिस भी होटल या रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हो, तो वहां पर ये रूल्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये अच्छा ही है। बट प्लस पॉइंट आपका होगा अगर आप बाहर आना चाह रहे हो या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। दुबई में तो आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे जहां पर आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, बट इंडिया में भी आपको कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो खुद जाके आप ले सकते हो। तो अगर आप ये कर सकते हो बल्कि साथ साथ अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो और सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। अगर इसका सर्टिफिकेट आपके पास है पीआईसी का या फूड बेसिक फूड हाइजीन का, तो आप उसको अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि आप डालते हो उसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या आपने फूड कोर्स किया हुआ है, तो उसी तरह से आप हाइजीन का अगर वहां पे डालोगे कि आपके पास सर्टिफिकेट है या आपने ट्रेनिंग करी हुई है या आपको नॉलेज है, तो वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी टेम्परेचर छूट गया तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसके बारे में क्या क्या जो नॉलेज है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, जो कि है देसी ब्लॉगर।
सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैसअप क्या है। हैसअप के बारे में वैसे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हैसअप क्या चीज है। हैसअप है आपका फुल फॉर्म हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैजार्ड से क्या मतलब है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी लोगों को समझने में मुश्किल हो जाती है, बट मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, सिंपल सा एक वर्ड बताता हूँ जो कि आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। हैजार्ड का मतलब है खतरा। हैजार्ड को आप एक खतरे की तरह लेके चलिए। तो हैजार्ड एनालिसिस, एनालिसिस मतलब एनालाइज करना, मतलब पता करना किसी चीज के बारे में। किसके बारे में? हैजार्ड के बारे में। हैजार्ड मतलब खतरा, खतरे के बारे में पता करना, जांचना, परखना, हैजार्ड एनालिसिस ये होता है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCP, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मतलब किसी चीज का, खाने का, वेजिटेबल का, किसी कुक्ड आइटम का, किसी रॉ आइटम का क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कौन सा है, मतलब कौन सा पॉइंट है जहां पर उसका टेम्परेचर जो है, उसका टाइम जो है वो मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो हैजार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कौन सा है उस आइटम का, तो ये है आपका CCP। आपको कौन सा CCP फॉलो करना है उस आइटम के लिए, मतलब कौन सी टाइमिंग उस आइटम के लिए आपको फॉलो करनी है, या कौन सा टेम्परेचर आपको उस आइटम के लिए फॉलो करना है। सो ये हुआ सिंपल सा मतलब हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खतरे को भांपना, जो आपके सामने आइटम है उसका कितना क्रिटिकल पॉइंट है कि उसके आप ऊपर नहीं जाओगे या तो नीचे नहीं जाओगे। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुकिंग के बारे में। तो कुकिंग कितना टेम्परेचर होना चाहिए, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको पता है तो अपने आप ही मन में सोचिए और उसके बाद में जवाब देता हूँ। सो कुकिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर आप कोई सा भी कुकिंग कर रहे हैं, चाहे वो रॉ आइटम हो, चाहे वेजिटेबल आइटम हो, चाहे कुक्ड आइटम हो, किसी भी तरह का, चाहे वो फिश हो, मीट हो, वेजिटेबल हो, सूप हो, सैलेड हो, किसी भी चीज को अगर आप कुक कर रहे हो, मतलब हॉट कुकिंग कर रहे हो, खाना गर्म करके पका रहे हो, तो उसका टेम्परेचर आपका होना चाहिए 75 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया 75 डिग्री आपका कुकिंग टेम्परेचर होना चाहिए। अब कुकिंग टेम्परेचर चेक करने के लिए कितना टाइम, देखो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसमें दो चीजें आती है, एक होता है टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर उस आइटम का होना चाहिए, दूसरा होता है टाइम, टाइम भी आपको चेक करना है। अब सपोज करिए आपने खाना आपने सामने रखा हुआ है, अब आपने उसका टेम्परेचर चेक किया 75 आ गया, ठीक है 75 में आप पास हो चुके हैं, मगर वही खाना आपने कुक करने के बाद पतीले में ही रखा हुआ है, उसको आगे जो प्रोसेस होता है वो नहीं किया हुआ है, तो क्या खाना वो सेफ है, नहीं है। तो आपको टाइम और टेम्परेचर दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कुकिंग टेम्परेचर की, जो कि है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आप जब चेक करोगे तो उसका एक टाइमिंग है, कितने टाइम तक आपको चेक करना है। आपको पता है कि किचन में एक थर्मोमीटर होता है, जैसे कि आपने मेरा देखा होगा, हमेशा यहाँ पे लगा के रखता हूँ मैं, तो एक थर्मोमीटर होता है, ठीक है, प्रॉप थर्मोमीटर होता है जिससे कि हम खाना चेक करते हैं, खाने का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो वो टेम्परेचर आपको खाने में डालना है और उसको 75 डिग्री अगर आप चेक कर रहे हैं, जो कि कुकिंग टेम्परेचर है, तो उसको आपको 30 सेकंड तक रखना है उसके अंदर और फिर देखना है कि 75 आया कि नहीं आया। तो ये हो गया आपका टाइम 30 सेकंड 75 डिग्री फॉर कुकिंग टेम्परेचर। सेम अगर किसी गेस्ट ने आपसे कोई बर्गर कोई रिबाई मांगा, बर्गर मांगा या कोई भी आइटम मांगा, बट उसने बोला कि मीडियम वेल चाहिए मुझे, सपोज आपको उसको 70 डिग्री करना है, तो 70 डिग्री के लिए आपको फिर उसको डालना पड़ेगा थर्मोमीटर को, और 70 डिग्री के लिए आपको 2 मिनट तक होल्ड करना पड़ेगा। सो दो चीजों का ख्याल रखिएगा। सेम इसी तरह से अगर आप हाई टेम्परेचर और देखना चाहते हैं, 80 डिग्री और 85 डिग्री तक देखना चाहते हैं, तो 80 डिग्री के लिए आपको 1 मिनट रखना पड़ेगा और 85 डिग्री के लिए आपको 5 मिनट तक अपने थर्मोमीटर को खाने के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कुकिंग टेम्परेचर। अब कुकिंग में दो चीजें आ जाती है, एक आप कुक कर रहे हो और उसके बाद ब्लास्ट चिलर कर रहे हो और उसको सामान को अपने चिलर में रख रहे हो, और एक आ जाता है आपका होल्डिंग टेम्परेचर, जो कि आप खाना बनाने के बाद अपने बूफे में रख रहे हो। तो दो तरह की आपकी कुकिंग आ गई है। तो जो आप ब्लास्ट चिलर करके चिलर में रख रहे हो उसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया, अभी आपने खाने को बना दिया है, अब आप रख रहे हो उसको बूफे में, तो बूफे में आपका होता है होल्डिंग टेम्परेचर। होल्डिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, होल्डिंग टेम्परेचर का मतलब होता है कि आपका खाना होल्ड हो रखा है, मतलब ना ही वो कुक हो रहा है ना ही वो ठंडा हो रहा है, तो ये होता है आपका होल्डिंग टेम्परेचर, कि आपका टेम्परेचर होल्ड में। होल्डिंग टेम्परेचर में आपको बता दूं 60 डिग्री होता है, ना कि 75 डिग्री। 75 डिग्री आपका कुकिंग हुआ तो होल्डिंग टेम्परेचर आपका 60 डिग्री रहेगा, मतलब आपका जो बुफे का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री होना चाहिए कम से कम, या उससे ऊपर हो सकता है 61 या 65 या उसके ऊपर कहीं तक भी हो सकता है। तो आपका होल्डिंग टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री। अब मैं आपको बता दूं कि 60 डिग्री के ऊपर आपका जो बैक्टीरिया है आपके खाने में वो ग्रोथ नहीं होगा, वो उसकी जो ग्रोथिंग है वो नहीं होगी, मगर 60 डिग्री के नीचे अगर आपका बुफे टेम्परेचर हो गया
तो उसमें जो है मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है आपके बैक्टीरिया का। 60 डिग्री से नीचे आपके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपका खाना खराब हो सकता है और गैस को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो होल्डिंग टेम्परेचर याद रखिए 60 डिग्री होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेंजर जोन की। डेंजर जोन कितना होता है? 5 डिग्री टू 60 डिग्री। सो 5 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आप डेंजर जोन बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो खाना है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, फंगस लग सकता है। सो 5 से 60 डिग्री के बीच में आपका होता है डेंजर जोन। अब मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया होता है उसका मल्टीप्लीकेशन होने का सबसे अच्छा टेम्परेचर कौन सा होता है? जब आपका आपने खाना कुक किया है तो उस खाने में जो है अगर आपने 75 डिग्री तक किया है तो उसमें कोई बैक्टीरिया अभी नहीं है, मगर उसमें बैक्टीरिया तब होगा जब उसको टाइम मिलेगा और टेम्परेचर मिलेगा। सो 5 से 60 डिग्री के बीच में अगर आपने कोई खाना आपने रखा हुआ है आपने सामने और उसका टेम्परेचर आप देखते हो कि 5 से 60 डिग्री के बीच में है, तो उसमें जो बैक्टीरिया आ चुका है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, मतलब 1 से 2 बैक्टीरिया हो जाएगा, 2 से 3 बैक्टीरिया हो जाएगा। जोन में भी, उस टेम्परेचर जोन में भी एक सबसे अच्छा टेम्परेचर है जहां पर वो बहुत ही जल्दी मल्टीप्लीकेशन बैक्टीरिया का होता है, और वो टेम्परेचर कितना है? वो टेम्परेचर है आपका 37 डिग्री। सो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, जरूर नोट कर लीजिएगा। 37 डिग्री जो है टेम्परेचर वो सबसे अच्छा टाइम होता है बैक्टीरिया के लिए मल्टीप्लाई होने के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक और टेम्परेचर जोन आता है जिसमें कि आपका बैक्टीरिया रैपिडली, मतलब फटाफट से जो आपका है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, मतलब फटाफट से ग्रोथ उसकी होती है। अभी डेंजर जोन आपको कितना आ गया? 5 से 60 डिग्री, मगर इसका मतलब ये नहीं कि 6 डिग्री अगर पहुंचा है, 7 डिग्री अगर पहुंचा है तो आपका जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से मल्टीप्लाई हो रहा है। वो मल्टीप्लाई होगा, मगर सबसे अच्छा जो टेम्परेचर है उसके मल्टीप्लाई होने का वो है आपका रैपिडली, आप बोल सकते हैं रैपिडली अगर कोई बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका टेम्परेचर है 20 से 50 डिग्री। सो 20 से 50 डिग्री आपका रैपिडली बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, और 37 डिग्री ऐसा है जिसमें आपका जो बैक्टीरिया है वो सबसे जल्दी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये अलग अलग पॉइंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चिलर की। तो चिलर में आप जो भी अपना खाना रखते हैं, फूड रखते हैं, उसका टेम्परेचर आपका होना चाहिए 5 डिग्री बिलो। सो 0 to 5 डिग्री आपका चिलर का टेम्परेचर होता है। अगर 6 डिग्री हो गया तो इसका मतलब आपको खाने को डायरेक्टली फेंकना है, थ्रो करना है, क्योंकि 6 डिग्री आपका डेंजर जोन में आ चुका है। फिर से बता दूं, 5 डिग्री से 60 डिग्री डेंजर जोन होता है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीजर की। तो फ्रीजर में आपका सामान फ्रिज हो चुका होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपका बैक्टीरिया नहीं है। सपोज आपने इस चिकन को फ्रोजन डाल दिया, फ्रीज कर दिया है, तो उस चिकन में ये नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं है, उस चिकन में बैक्टीरिया हो सकता है मगर वो अभी सो रहा है। फ्रीजर में जो भी आप सामान करते हैं आपने देखा होगा उनकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, उनकी लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी बैक्टीरिया उन फूड में है वो सो चुका है, तो बैक्टीरिया जो है फ्रीजर में सो जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका फूड जो है वो लंबे टाइम तक वहां पर रह जाता है, मगर क्वालिटी जो है हमेशा घट जाती है फ्रीजर में, ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए फ्रीजर में भी सामान रखने का एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। फ्रीजर में आपका टेम्परेचर मैं आपको बता दूं -18 डिग्री, आपका -19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, ये फ्रीजर का बेस्ट टेम्परेचर होता है। मगर मैं बता दूं कि अगर आपका 17 डिग्री आ चुका है, 16 डिग्री आ चुका है, तो डायरेक्टली आपको सामान को फेंकना पड़ेगा, और या तो आपको इंजीनियरिंग को बताना पड़ेगा कि आपका फ्रीजर जो है उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ये है आपका फ्रीजर का टेम्परेचर। फ्रीजर के टेम्परेचर में एक और चीज आती है जो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। जब भी आप सप्लायर से सामान ले रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि सपोज कोई फ्रोजन चिकन आप ले रहे हो, तो रिसीव करने से लेके आप अपने फ्रीजर में जो आप रखोगे उसका टाइमिंग भी होता है, जो कि मैं आज आपको बताता हूँ। तो रिसीविंग करने से लेके आप अपने फ्रीजर तक डालने तक के बीच में आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उस सामान को चेक कर रहे हैं, वो सामान फ्रीजर से बाहर निकल चुका है, तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, वो टाइम लिमिट है आपका 15 मिनट। तो रिसीव करने तक, डॉक्यूमेंट चेक करने तक, क्वालिटी चेक करने तक और आप फ्रीजर में डालने तक आपका जो टाइम होना चाहिए वो 15 मिनट होना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज आपका सप्लायर आपके लिए फ्रोजन चिकन लाया है या फ्रोजन का कोई सा भी आइटम लाया है और उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है -18 से ऊपर, मतलब -17 पहुंच जाता है, 16 पहुंच जाता है या 15 पहुंच जाता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपका फ्रीजर में -18 डिग्री से ऊपर आ चुका है, मतलब -17 हो चुका है, तो आप क्या करोगे? आप इंजीनियरिंग को पता करोगे। तो सेम यहाँ पर अगर आप सप्लायर से आप रिसीव कर रहे हो और उसका टेम्परेचर आप देखते हो कि -15 है, तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि उसका भी एक टेम्परेचर है, आप उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हो कि चलो ठीक है इतने में हम रिसीव कर लेते हैं, तो उसका भी एक टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस। सो -12 डिग्री सेल्सियस
तक अगर आपका फूड जो है वो फ्रोजन है रिसीव करते वक्त, तो भी आप टॉलरेट करके आप उसको रिसीव कर सकते हो, उसको आप खराब नहीं मानोगे। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं रीहीटिंग की। तो रीहीटिंग सेम एज लाइक कुकिंग टेम्परेचर। तो कुकिंग जो हम करते हैं उसका टेम्परेचर 75 होता है, रीहीटिंग आप कर रहे हैं तो उसका भी जो टेम्परेचर होता है वो 75 डिग्री होता है, 75 और 75 अबव। तो ये कई सारे टेम्परेचर मैंने आपको बता दिए हैं, रीहीटिंग, होल्डिंग टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर, चिल्लर, फ्रीजर टेम्परेचर, ये बेसिक टेम्परेचर है और टाइम है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आज मैंने आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करी है, होप आपको अच्छा लगा होगा, होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। इसी के साथ साथ बहुत सारी और छोटी छोटी नॉलेज है, जैसे कि मैं आपको बताया कि रिसीव करने के बीच में भी एक टाइमिंग होता है, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो कितना आपको टॉलरेट करना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट है जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं दोबारा से, उसके बारे में बताऊंगा। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा और डिटेल मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आपको और भी नॉलेज होगी और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है फूड हाइजीन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट में बताइए और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय।